साथियों, अभी हम गांधी कॉलोनी आईटीआई के सामने खड़े हैं। ये आपको जरा यहाँ पे हाल दिखाएंगे, प्रशासन का क्या हाल है। चलो, गैस पाइपलाइन जो पड़ रही है, गुजरात के लोग जो हैं वो यहाँ पर, उनके पास ठेका है जो लाइन डाल रहे हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो सिरसा का प्रशासन है, अगर कोई बाहर से आके गलत काम कर रहा है तो क्या कोई देख रेख करने वाला नहीं है। ये आपको हालात दिखाता हूँ, जरा आइएगा, आप इससे समझ जाएंगे कि हमारे इलाके की आज कितनी दुर्दशा हुई पड़ी है। ये देखो जी, ये पोल है, ऊपर तक ले, ठीक है जी, आगे आ जाना, ठीक है। सारी मेन लाइनें इससे जुड़ी हुई है और ये नीचे आके बिल्कुल इसके साथ खड्डा मार गए हैं। इधर से आगे ले मुझे, ये सारी दसी पड़ी है जी, ये देखो जी हालात। और ये पोल कब नीचे गिर पड़े, कब यहाँ पे कोई दुर्घटना घट जाए, इसका क्या कोई जिम्मेवार है? अगर कोई ऐसी बात यहाँ पर हो जाती है तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा, मैं ये पूछना चाहता हूँ। अब लोगों ने खुद यहाँ पर जेसीबी वालों को बुलवाकर यहाँ पर मिट्टी लाने का काम कर रहे हैं। ये मेन रोड है, ये मेन रोड है, मेन रोड क्या कि ये हालात है, आप देखिए जरा। गौरव जी, हेलो गौरव जी, बुलाओ रमन जी, ना स्टेट में आओ, आप जरा बताना इनको। आप भाई साहब साथ साथ करो, कहीं नुकसान ना हो, करो काम, स्टार्ट करो, बात करो। तो कुल मिला के इधर करो, जनता की तरफ बोलो, आप बोलो जी। एक बात बताऊं, आप लोग नहीं नहीं आप लोग बोलते नहीं है ना, इसीलिए सरसा की भाई साहब, मैंने कल भी इनको मीडिया के अंदर कल ही बताया कि ये दिक्कत चल रही है, पर प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है बिल्कुल भी। आज ये लाते हैं कि बिल्डिंग, ये सड़क जो हालात है देश के, ये आप देख रहे हो, खासतौर पर सिरसा के, ये खंभा गिरेगा 100% गिरेगा, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं, पक्का गिरेगा। जो जितना पानी जा चुका है, कल सुबह देख रहे आपको यहाँ हालात क्या होते हैं। मैं कई बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ पर कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पर। अभी भाई साहब जा रहे थे यहाँ पर, उन्हें देखा, वो रुके हैं, तो हमें उम्मीद है कुछ सोल्यूशन हो सकता है। हम आपके थ्रू ये बात पूछना करना चाहते हैं कि ऐसा काम मत करिए जिससे हमारे यहाँ के एरिया का नुकसान हो, कॉलोनी का। ये देखिए आप जरा ध्यान से, ये मेन पोल है और देखो कहाँ तक इन्होंने खट्टा मार रखा है, दिखाओ आगे करके, लाइट मारना दूसरे फोन से। ये कितना नुकसान हो रहा है, कितना पानी अंदर जा रहा है, कम से कम 20 टैंकर जा चुके हैं, हमारा पूरा रोड खराब हो गया। ये कौन पर भाई करेगा यहाँ पर, मैं चाहता हूँ कि गुजरात गैस के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। ये मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी साहब से, कि जो भी इनका मेन यहाँ पे अधिकारी है, ये जीता जाता, ये सामने सारे यहाँ लोग खड़े हैं, सामने उदाहरण आपके सामने है, जो भी इनका मेन अफसर है उसके खिलाफ नोटिस लगाया जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि इनको थोड़ा सा समझ आए कि काम किस हिसाब से करना है। आज हम ना उधर खेड़ पे गए थे, वहाँ पे भी यही हालात हो रहे, लोगों के मकान दुकानें बुरा हाल है। क्या कोई वाली वारिस है सिरसा का, मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या सरकार नाम की कोई चीज है हरियाणा के अंदर? और लाखों रुपए की तनख्वाह लेने वाले अफसर क्या अपने कोठियों में सोए पड़े हैं और जनता दरबदर की ठोकरें खाती फिर रही है? कौन संभालेगा, कौन देखेगा, कितनी बरसात हुई और आज शहर के क्या हालात है? तो मैं गुजारिश करना चाहूंगा हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से जल्द, यानी कि सुबह उठेंगे और सुबह उठ के काम करेंगे, इसको जल्द से जल्द यहाँ से
एक्शन लें जिसने ये गलत काम यहाँ पे किया है और इसको दुरुस्त कराने का काम करें। धन्यवाद।